मॉड्यूल टू जीरो सिक्स कॉजेस ऑफ एनोरेक्जियानोसा साइक्लॉजिकल सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज कॉजे विच आर साइक्लॉजिकल इन नेचर एंड कैन कॉज द एनोरेक्सिया नर्वोसा इन अ चाइल्ड सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव बॉडी इमेज जो नेगेटिव बॉडी इमेज है वो बच्चा ओवर द ईयरस जो है फ्रॉम गेटिंग द फीडबैक फ्राम द सोशल इन्वायरमेंट डेवेलप कर सकता है अब वो कैसे डेवलप करेगा अगर आप ये देखो कि बच्चे को कंटीन्यूसली क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर तो ये जो कंटीन्यूस क्रिटिसिज्म है ऑन द बॉडी शेप उसकी वजह से वो अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज जो है वो डेवलप कर सकता है मिसाल के तौर पर अगर आप एक बच्चे को बार बार कहोगे कि यू आर फैट यू आर फैट यू आर ईटिंग टू मच तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो इमेज डेवलप होगा वो ये होगा कि आई एम फैट तो उसके अंदर बजाय इसके कि उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप हो वो कैसे डेवलप हो जाएगी वो डेवलप हो जाएगी इन रेफरेंस टू फैट इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन विद द बॉडी स्ट्रक्चर अब ऐसे बच्चे जिनको ज्यादा टीस किया जाता है या बुली किया जाता है स्कूल्स में या घर में इन रेफरेंस टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर और उनको बार बार ये कंटिन्यूस जो है आ, वो बुली फेस करते हैं कि दे आर अगली दे आर फैट तो उसकी वजह से जो है आमतौर पर एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाता है और ये बच्चे जो हैं वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं फूड इनटेक को ठीक है तो ये जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव बॉडी इमेज की वजह से भी डेवलप हो सकता है इसी तरह जो नेगेटिव इफेक्ट है Uh, जिस तरह अगर बच्चों की लो सेल्फ़ इस्टीम है लो सेल्फ़ इस्टीम डेफिनेटली कैसे डेवलप होगी uh, जिस वक्त uh, बच्चों को जो फीडबैक है वो उनकी बॉडी के बारे में नेगेटिव मिलेगी कि दे आर नॉट गुड बॉडी स्ट्रक्चर दे आर नॉट गुड इन फिजिक दे आर नॉट अपीलिंग तो जब इस किस्म की फ़ीडबैक मिलेगी तो डेफिनेटली उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो लो होना शुरू हो जाएगी और खास तौर पे जिस वक्त वो टीज होंगे जिस वक्त वो बुली होंगे बच्चे उनके साथ रिलेट नहीं करेंगे उनके साथ नहीं बैठेंगे तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको एनकाउंटर करने के लिए इट मे पॉसिबल के एज अ कोपिंग स्ट्रेटजी दे विल मूव टू नर्वोसा इसी तरह तो एंगर एनजाइटी और लोनलीनेस दीज और प्रॉब्लम्स आर कम बिकॉज ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक है तो वो जब इंटरनलाइजिंग करना शुरू कर देते हैं या सर्टेन टाइम एक्सटर्नलाइजिंग करते हैं बिहेवियर की तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है एनोरेक्सिया नर्वोसा का वो डेवलप हो सकता है ये जो एंगर है ये इनवर्ड होता है तो इनवर्ड एंगर के अंदर ये क्या करते हैं दे आर स्टार्ट रिफ्यूजिंग टू टेक द फूड ठीक है इसी तरह जो लोनलीनेस है उसको ओवरकम करने के लिए बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू रिलेट विद दैम बिकॉज दे फाउंड देम अगली दे फाउंड फाउंडम फैट तो इस जो फीडबैक है कांस्टेंट उनको मिल रहा है उसकी वजह से जो उनके नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको सर्टेन टाइम ओवरकम करने के लिए एनोरेक्सिया नवोसा जो है वो डेवलप हो सकता है इसी तरह जो आपकी केस हिस्ट्रीज हैं वो हमें ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि ऐसे क्लाइंट्स जो कि uh, डाइटिंग करते हैं और वो डाइट क्यों करते हैं बिकॉज दे फील दैट दे आर नॉट सोशली प्लीजेबल ठीक है यानी उन वो जब जाते हैं तो लोग उनके बॉडी को पसंद नहीं करते उनको प्रेज नहीं करते और वो अपनी बॉडी को बेटर करने के लिए डाइट करते हैं तो सम टाइम ये जो चीज़ होती है ये उनको लीड कर जाती है टूवर्ड्स द ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें इट मे पॉसिबल कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट करें ठीक है तो ये सारे वो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जिनकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो सकता है थैंक यू